हेलो फ्रेंड्स टुडे यू विल लर्न वन मोर इडियम दैट इज फ्रॉम द स्क्रैच इसका हिंदी मतलब होता है शुरुआत से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच यानी अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करनी होगी ओके नेक्स्ट इज ही हैज स्टार्टेड हिज कंपनी फ्रॉम द स्क्रैच यानी उसने अपनी कंपनी बहुत ही शुरुआत से स्टार्ट की थी थर्ड वन इज बेकिंग इज नॉट एन इजी प्रोसेस इफ यू वॉन्ट इट टू कम परफेक्टली देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रेच यानी बेकिंग जो है वो बहुत ईजी प्रोसेस नहीं है वो बहुत आसान नहीं है अगर आप चाहते हो कि आपकी बेकिंग बहुत अच्छी हो खिलके आए तो आपको शुरुआत से स्टार्ट करनी होगी नेक्स्ट इज अगर आपको नॉर्मली भी किसी को कहना है कि यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है नाउ स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रेच अब शुरुआत से स्टार्ट करो तो आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं ऐसे ही बेसिक से एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू तो माई चैनल